फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स कैबिनेट की मीटिंग जो आज होने वाली थी वो समाप्त हो गई है। उसमें 11 जो फैसले हैं उनमें मुहर लगाई गई है। स्टूडेंट्स को लेकर भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, तो उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं जनपद बागेश्वर में नगर पंचायत बनाया जाएगा इसके लेकर है। उसके अलावा जनपद उधम सिंह नगर में जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको लेकर हुआ है। उसके अलावा उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा यानी कि 2021 के द्वितीय सत्र का स्टार्ट होना है वो भी हुआ है। चलो ये सब अलग अलग बातें हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट पे जिसको लेकर हमने ये वीडियो बनाया है, जो हमारा मेन मोटिव है वो है पाँचों में। आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड सेवा आयोग यानी कि PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे एवं NDA CDS की लिखित परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार के पूर्व 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया। आपको पता है कि कल भी जो है रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की घोषणा की थी पूर्व सैनिकों के लिए। तो फिलहाल इसके ठीक सेम चीज जो है कल जो डिफेंस मिनिस्टर ने की थी वो यहां पर की गई है। तो ये बहुत ही बड़ी बिग न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 11 सूत्री जो यहां पर फैसले लिए गए थे वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा मेन मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का, जो हमने ऑलरेडी कहा है कि संघ लोक से, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी विद्यार्थियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब पता नहीं कहाँ से देंगे गवर्नमेंट, वो तो भगवान ही है, लेकिन घोषणा जरूर होगी जिससे आप थोड़ा बहुत सांत्वना दे सकते हैं अपने आप को। उसके अलावा उत्तराखंड सेवा आयोग यानी कि PCS के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले टॉप 100 छात्रों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे एवं NDA CDS के लिखित परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार के पूर्व, भाई जब साक्षात्कार निकाल ही लिया तो फिर वो सीधे जॉब पे जाएगा, उसको दे के 50,000 रुपये क्या करोगे यार, अजीब ही टाइप का इनका लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा अगला जो आठवां पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त 2021 से COVID-19 से के कारण जो स्कूल बंद हुए हैं शिक्षण संस्थान कक्षा 6 से 12 तक संचालित किए जाएंगे, यानी कि दो। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है कि रुद्रपुर हरिद्वार पिथौरागढ़ में जो मेडिकल जो आपके कॉलेजेस हैं उनमें संविदा के आधार पर जो है उनको वेतन जो है कार्यालय व्यय के अनुदार के अनुसार पे दिया जाएगा। तो ये रही यार सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर 11 से जो मेन टॉपिक है वो रहा, बाकी जो मेन यहाँ पर पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पांच, पहला तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मेन आठवां पॉइंट है जो कि 1 अगस्त से 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएँ खुल रही। उसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ और आ रही है कि 31 जुलाई को कक्षा 12 के उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यार संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भी 50,000 रुपये मिलेंगे, उसके अलावा PCS के टॉप 100 के लोगों को 50,000 मिलेंगे, उसके बाद NDA निकालो CDS निकालो फिर भी मिलेंगे आपको 50,000। तो यार मेरे को ये समझ में नहीं आती है। तो और जो स्टूडेंट्स हैं और जो एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो गई और चीज़ों की, उन्होंने क्या बिगाड़ के रखा भाई साहब, उनको भी 25,000 दे देते, आधा जब बांट रहे हो अपना दान पेटी ही तो उनके लिए भी खोल देते। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन आपका है, बताना मुझे जरूर। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।